तेरे सर फिरे परिंदों के भी पर काट सकते हैं हम। सुन ऐ मनुवादी, तेरे सर फिरे परिंदों के भी पर काट सकते हैं हम। अरे संविधान को मानने वाले लोग हैं, वरना तलवार भी बांट सकते हैं हम, तलवार भी बांट सकते हैं हम। साथियों, ये जो राशन देने की बात जो कर रहे हैं ना कि राशन फ्री में दे रहा है, गैस सिलेंडर ला दिया, ये किसी के बाप के वजह से नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई नागरिक, देश का नागरिक अगर किस देश में भूखा सोता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ लीजिए आप। संविधान बीच में आने वाला जो रोड़ा है ना, ये भारतीय संविधान है, और यह संविधान इस गली चौकट पर बैठने से नहीं बचेगा, गणतंत्र दिवस के ऊपर झंडा फहराने से नहीं बचेगा। साथियों, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक के आपको लड़नी पड़ेगी, तभी आपके जो हक और अधिकार है वो सड़क में नहीं तो संसद में सुरक्षित रहेंगे, यह आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाओ और अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासनकर्ती जात जमात बननी है। सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों तथा उन महानायिकाओं को त्रिवार अभिवादन करते हुए आज के इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी साथियों को मैं शुभकामना देते हुए अपनी बात को आरंभ करता हूँ। साथियों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो आज हम मना रहे हैं, लेकिन क्या सही मायने में भारत आज गणतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है? आपको समझना पड़ेगा, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में 146 दिन में संविधान का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर दिया, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान को तैयार कर भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया, तब से 74 साल इस देश में हो चुके हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था बन चुकी है। लेकिन क्या आज इस देश की व्यवस्था वास्तविकता में लोकतंत्र के ऊपर टिकी हुई है? ये सोचना होगा बहुजन समाज के हर उस व्यक्ति को, ये सोचना होगा बहुजन समाज के हर उस तबके को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। आज मैं मेरे भाई पराग के साथ में मार्केट यार्ड में गया और लोगों से हमने बातचीत की कि भाई संविधान लागू होने के 74 साल के बाद में तुम्हारी परिस्थिति कैसी है, तुम्हारी स्थिति बदली या नहीं बदली, संविधान के वजह से तुम्हारे जो हक अधिकार है तुमको मिल पाए या नहीं मिल पाए। आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि लोगों को 2 वक्त के खाने के लिए 200-300 रुपए की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए रोज़ जो है लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। तो क्या सही मायने में हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था टिकी हुई है? अरे लोकतंत्र को बाबा साहब ने किस दिशा में परिभाषित किया था? बाबा साहब बोलते हैं कि सिर्फ चुनाव होना या फिर इस देश में चुनावी प्रक्रिया से लोगों को चुनकर देना, संसद में भेजना, विधानपालिकाओं में भेजना, यह सिर्फ लोकतंत्र नहीं है। इस देश में ये जो व्यवस्था चल रही है, जिन्होंने इस देश के बहुजनों का शोषण किया, सामाजिक आर्थिक शोषण जिन्होंने जिस व्यवस्था ने किया, उस व्यवस्था के खिलाफ में क्या आज बहुजन समाज उनके बराबर आ चुका है? आज इस देश में आर्थिक गैर बराबरी इतनी बड़ी की हुई है, आज इस देश के 90% जो संपत्ति है वो इस देश में अदानी अंबानी की जागीरदार बनी बैठी हुई है। सत्ता में, सियासत में बैठने वाले लोग करोड़ों रुपए का कर्जा जो है अमीरों का माफ़ कर रहे हैं, और आज हमारे जो भाई है ये 2-व्हीलर लेने के लिए किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं तो वो गाड़ी जब्त कराने के लिए किस्ती के नाम पर आ जाता है। तो क्या बोल सकते हैं सही मायने में हमारे देश में आर्थिक लोकतंत्र लागू हुआ है? समाज के नाम पर बहुजन समाज के बच्चों को, किसी को मूछ रखने पर मार दिया जाता है, किसी को मटके से पानी निकालने पर मार दिया जाता है, अरे दलितों को घोड़े पर चढ़ने से मना कर दिया जाता है। तो क्या इस देश में सही लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है? सोचना पड़ेगा। जब तक के तुम अपने हक और अधिकारों को लड़ झगड़ कर ले नहीं लेते तब तक के इस देश को सही मायने में लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए ये जो संघर्ष है ये चलता रहेगा। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की अंतिम बैठक में कहते हैं कि भाइयों, मैंने यह संविधान तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत से मनुवादियों से लड़कर लिया। गोल मैच परिषद में बाबा साहब अंबेडकर पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो गोल मैच परिषद में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर गए थे और अपने समाज के हक और अधिकार की बात किए थे। लेकिन समझना पड़ेगा, वो बाबा साहब ने दिए हुए हक और अधिकार, वो जो संविधान है, दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर, याद होगा आप लोगों को 9 अगस्त 2017 को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर संविधान की प्रतिया मनुवादी लोगों ने जलाई गई। कितने लोगों ने आंदोलन किए,
सिर्फ चंद बुद्धिजीवी अंबेडकरवादी लोग रस्ते पर उतरे, बाकी इस देश के जो 80% लोग हैं वो अपने घरों में बैठे रहे। तो क्या संविधान को मानने वाले तमाम जो लोग हैं वो संविधान जिस व्यवस्था को खत्म कर दिया, जहां पर समानता ला दी, वो संविधान क्या सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का है, चंद बहुजन लोगों को ही हक और अधिकार देता है? और इसीलिए वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते तुमको बराबरी के हक और अधिकार मिले। वो नहीं चाहते आरक्षण का विरोध वो हर बार करते हैं, रिजर्वेशन का विरोध वो क्यों करते हैं? तकलीफ वो नहीं है कि तुम्हारे आरक्षण तुमको मिला हुआ है, तकलीफ ये है कि नीचे बैठने वाला आज तुम्हारे बराबरी में कुर्सी पर बैठा हुआ है। ऑफिस में जो अधिकारी जो कलेक्टर बनता है, आज कल परसों की बात है, बहुजन समाज के एक IAS अधिकारी है सुनील कुमार धनवंता, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इस देश में 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, 26 जनवरी को हर घर में हर घर संविधान यह अभियान चलाना चाहिए। इतना बड़ा पढ़ा लिखा हुआ IAS अधिकारी जब बोलता है तो इन मनुवादियों के पेट में आग लग जाती है, इसलिए वो यह व्यवस्था बदलना चाहते हैं और इसलिए वो मनुस्मृति पे आधारित संविधान चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके पास में पैसा रहे, वो नहीं चाहते कि आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ में बात करें, वो नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को नौकरियां लगे, वो चाहते कि इस देश में जो हजारों वर्षों की जो व्यवस्था जिस तरीके से लागू हो रही थी, 75 साल में बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, और इसी बात का उनको तकलीफ होती है। उनके बीच में आने वाला जो रोड़ा है ना, यह भारतीय संविधान है, और यह संविधान इस गली चौकट पर बैठने से नहीं बचेगा, गणतंत्र दिवस के ऊपर झंडा फहराने से नहीं बचेगा। साथियों, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक के आपको लड़नी पड़ेगी, तभी आपके जो हक और अधिकार है वो सड़क में नहीं तो संसद में सुरक्षित रहेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जाओ और अपनी घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करती जात जमात बननी है, क्योंकि जब तक कि तुम शासन प्रशासन में नहीं जाओगे तब तक कि तुम दबे और कुचले रहोगे। हम मीडिया में काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि संविधान की वजह से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है वो क्या है। आपको पता है इस देश में जो व्यवस्था बनी है वो हमेशा से ही संविधान को उन्होंने अभी तक के निग्लेक्ट करती आ रही है। जब 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 इन्होंने संविधान के ऊपर आघात किया है, जब जब इन्होंने संविधान के ऊपर हल्ले किए हैं, तब कितने राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने उनके खिलाफ आंदोलन किए हैं, कोई नहीं करता। ये वही लोग करेंगे जो वास्तविकता में बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हैं, जो वास्तविकता में चाहते हैं इस देश में अम्बेडकरवाद की सरकार बने, और इस देश में जितने भी वंचित समुदाय के लोग हैं, गरीब समुदाय के लोग हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति आप पता करोगे तो 2 रुपए के राशन के लिए वो लोग लाइन में लगे पड़े हुए हैं। ये जो राशन देने की बात जो कर रहे हैं ना कि राशन फ्री में दे रहा है, गैस सिलेंडर ला दिया, ये किसी के बाप के वजह से नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई नागरिक, देश का नागरिक अगर किस देश में भूखा सोता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ लीजिए आप। संविधान का गुणगान करने से नहीं होगा, संविधान पढ़ने से होगा। इसलिए बाबा साहब बोलते हैं कि भाग 3 पढ़ो, 3 में आपके फंडामेंटल राइट दिए हैं। आर्टिकल 32 बोलता है कि तुम्हारे हक और अधिकार के खिलाफ कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठना अगर तुम्हारे हक और अधिकारों को दबाने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ में तुम न्याय और हक मांगने की ताकत जो है वो दे सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों को खत्म करने का काम, उनमें बार बार अमेंडमेंट करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। समझना पड़ेगा, कब तक चुप रहेंगे हम लोग? क्या हम जब एक व्यक्ति के ऊपर अन्याय होता है तो वो उसका देख लेगा, हम उसके बीच में क्यों बोलेंगे? क्यों अपनी बारी आने का इंतजार करते हो तुम लोग? क्यों बार बार इस देश में वो बहुजनों के बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं? क्यों बहुजनों को सताया जाता है? क्यों बहुजनों को मारा जाता है, काटा जाता है? क्यों नहीं तुम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई जो है सड़क पर लड़ने के बजाय संसद में अपने लोग भेजने के लिए नहीं करते? लेकिन नहीं, ये लोगों ने व्यवस्था ही बदल दी है। जब से इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है तब से इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश का लोकतंत्र तमाम कॉरपोरेट घरानों के चौकट पर जो है जूते सेकने का काम कर रहा है, जूते पोंछने का काम कर रहा है। समझना पड़ेगा, संसद में जब तुम्हारे लिए कानून बनता है, तुम्हारे लिए कानून बनना बात की बात है, लेकिन पहले अदानी अंबानी के घर में बैठ करके सरकार के नुमाइंदे तब वहां बात करते हैं कि पॉलिसी कौन सी बनेगी, पॉलिसी किसकी बनेगी। आज इस देश में अदानी की ट्रेनें चल रही है, उन ट्रेनों के वजह से गरीब जो लोग हैं जो रोज रात दिन या ट्रेनों से सफर करते हैं उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। किसने बनाई ये व्यवस्था?
जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि इस देश के प्रत्येक बहुजन हक लोगों को हक और अधिकार जब तक के नहीं मिल जाते तब इस देश में सही मायने में लोकतंत्र आ गया मैं ये नहीं मानूंगा। अगर ऐसे इसके बाद में भी ये संविधान जो है तुमको हक और अधिकार नहीं देता है तो ऐसे संविधान को मैं खुद जला दूंगा। ये बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि अगर मेरे बच्चों तुमने अगर सही समय रहते हुए नहीं जागे, सही समय रहते हुए तुमने नहीं सोचे तो ये व्यवस्था तुमको खत्म करने के कगार पर आ जाएगी, ये व्यवस्था तुमको जला देगी, मार देगी, काट देगी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, नौकरी लगने वाले लोग अलग हो गए, नौकरी लगने वाले बहुजन समाज के एलिट क्लास अलग हो जाते हैं। अरे आंदोलन तो चंद गरीब लोग चला रहे हैं जिसके वजह से आज जितना बचा हुआ आंदोलन है ये बचा हुआ है और जिंदा है। और इसीलिए समझना पड़ेगा ये हर उस अंबेडकरवादी की जिम्मेदारी है, हर बाबा साहब फुले शाहू अंबेडकर के विचारों को मानने वाले व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि तुमको इस देश में लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो तुमको अपने लोगों को सड़क से लेकर के संसद तक के आंदोलन पहुंचाना होगा। माननीय साहब कांशीराम भी कहते हैं कि तुम अगर सड़क से तुम अगर संसद की कुर्सी नहीं हिला सकते तो तुम इतनी भीड़ उस कुर्सी के बाहर खड़ी कर दो कि नेता उठ के तुम्हारी राय पूछे कि बोलो तुम्हारी राय क्या है। जिन लोगों ने इस व्यवस्था को जलाया और व्यवस्था को बनाया और संविधान को जलाया उन लोगों को मैं अंत में बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा और यह बात मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे तेरे सर फिरे परिंदों के भी पर काट सकते हैं हम। सुन ऐ मनुवादी, तेरे सरफिरे परिंदों के भी पर काट सकते हैं हम। अरे संविधान को मानने वाले लोग हैं वरना तलवार भी बांट सकते हैं हम, तलवार भी बांट सकते हैं हम। साथियों समझना पड़ेगा और आप लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जब तक के आंदोलन में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुम इस आंदोलन में नहीं शामिल हो जाओगे और जब तक के तुम्हारे लोग सड़क से लेकर के संसद की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मैं बार बार सड़क और संसद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हक और अधिकार रास्ते पर नहीं तो संसद में ही जो है बचते हैं और संसद में ही तुम्हारे लिए पॉलिसी बनती है। जिस समाज का राजा होता है उस समाज का शोषण नहीं होता, उस समाज हमेशा ताज़ा रहता है। साथियों इस गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए देश की वास्तविक और देश की सच्चाई आपको जाननी पड़ेगी। अगर व्यवस्था को नहीं बदले तो आने वाले दिनों में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि फिर से बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब तुमको हमको बचाने के लिए नहीं आने वाले हैं, यह समझना पड़ेगा। और इस बात को कोट करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और जाते जाते यही कहता हूं कि शायर हूं मैं, मेरा काम है आईना दिखाना, शायर हूँ मैं, मेरा काम है आईना दिखाना। मैं बैठकर लाशों पर गजल कह नहीं सकता, इस जुल्म की मुझे चाहे जो सजा दो लेकिन इस जुल्म के सामने मैं खामोश कभी नहीं रह सकता, खामोश कभी नहीं रह सकता। साथियों मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आप सभी का अपने दथिंग के माध्यम से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।